यमुनानगर महिला थाने में डीएसपी सुरेंद्र कौर के साथ हुई बदतमीजी। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है कि दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला थाने में पहुंची पीड़िता की मां व उसके भाई की डीएसपी सुरेंद्र कौर के साथ बहस हो गई। डीएसपी सुरेंद्र कौर का आरोप है कि महिला व उनका बेटा कार्यालय में घुसकर अभद्रता करने लगे। उन्हें समझाया गया कि आरोपित का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपित पर कार्रवाई की जाएगी। इतना सुनते ही वह भड़क गए और धमकी देने लगे। महिला व युवक ने उन्हें देख लेंगे की धमकी भी दी। बाद में हंगामा करते हुए वह वहां से बाहर निकल गए। डीएसपी सुरेंद्र कौर का कहना है कि यहां जो भी आता है उसकी बात पूरी सुनी जाती है, लेकिन इस तरह से बदतमीजी करना ठीक नहीं है, कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है। फिलहाल दोनों माँ बेटों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक्चुअली मेरे पास पार्टियाँ आती हैं तो मैं उनके जितनी हो सकती हूँ उनकी हेल्प करती हूँ। तो एक्चुअली डीएसपी हेडक्वार्टर साहब का फोन आया तो मैं ऑफिस में बैठी थी, तो ऐसी पार्टी है सो एंड सो मुकदमे की। तो फिर मैंने कहा पहला भेज दो, मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं अपनी तरफ से करूँगी। लेकिन वो पार्टी मेरे पास आई तो उनको मैंने उन्होंने बोला कि ऐसे करके गिरफ्तारी नहीं हुई दो बंदे की। तो फिर मैंने उनको यही बताया कि भाई इनमें डीएनए टेस्ट गया हुआ है और जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं तुरंत कार्रवाई कर दूंगी जो भी उसमें रिपोर्ट होगी। और मैंने आज भी यही बोला कि आज हमारी लड़की वहाँ पे बैठी हुई है और जैसे रिपोर्ट आएगी तो वो मेरे पास लेके आ जाएगी और हम अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेंगे जो भी बनता है आपका। और इन्होंने हाई कोर्ट में भी डालने दी जिससे वो रिजेक्ट हो गई, और क्योंकि ये डीएनए रिपोर्ट एफएसएल में पेंडिंग पड़ी थी इसीलिए से। और हम अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें जो लड़की का इंसाफ है वो मिले। लेकिन जो इसके साथ जो ये मेरे पास एक लेडी सुमन और उसका बेटा विनीत, उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, मेरे साथ मेरा रीडर डाक निकलवाना था और वो मेरे पास खड़ा हुआ था और इन्होंने मेरे कागज़ पकड़ के उड़ा दिए और मेरे साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। तो ऐसे ही इन्होंने मेरे ड्यूटी के दौरान ऐसी बाधा डाली। और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ अगर पब्लिक कोई डील कर को हम डील करते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत गलत है। अपनी तरफ से कंप्लेंट लिख के मैं जरूर दूँगी जो इन्होंने मेरे साथ किया।